हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिल विद गिल्स। आज हम बनाएंगे मटर मशरूम, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मटर मशरूम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है 500 ग्राम बटन मशरूम्स, 1.5 कप मैंने लिया है पीस। अगर आपके पास फ्रेश पीस हैं तो आप उन्हें पहले बॉईल कर लें, मेरे पास फ्रोजन पीस हैं तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने लिया है कटा हुआ प्याज, ये एक बड़े साइज़ का प्याज है जो मैंने कट कर लिया है। 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, 1.5 चम्मच मैंने लिया है कसूरी मेथी, 3 कटी हुई हरी मिर्च, 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, नमक एज पर टेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच स्वीट पेपरिका। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे मशरूम्स हैं उनको कट कर लेते हैं। अगर मशरूम का साइज़ बड़ा है तो उन्हें आप 4 हिस्सों में डिवाइड करके कट करें, ऐसे ज़्यादा छोटा कट मत करें, इतना होना चाहिए। इसी तरह से हम जो हमारे सारे मशरूम हैं उनको कट कर लेते हैं। तो मैंने मशरूम्स को कट कर लिया है। अब मैंने लिया है एक पैन, इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल और गैस कर दी है मीडियम टू हाई ऑन। हम थोड़ा ज़्यादा ऑलिव ऑयल लेंगे क्योंकि हमने जो मशरूम है उनको थोड़ा सॉटे करना है इसमें, तो इतना बहुत है। ये अराउंड 2 कड़छी के आसपास होगा। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे मशरूम को। तो ऑयल गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं मशरूम को। सारे मशरूम एक बार में नहीं डालेंगे, 2 हिस्सों में डालकर हम इन्हें सॉटे कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक। जितने एक बार में जाएं आप उतने ही डालें अपने पैन में। अब इन्हें 3 से 4 मिनट तक सॉटे कर लेते हैं। गैस आपकी मीडियम टू हाई होनी चाहिए। तो इन्हें सॉटे करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं एक बाउल में। हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा सॉटे ही करना है इसको। और इसी तेल में हम जो हमारे बचे हुए मशरूम हैं उनको भी सॉटे कर लेंगे। तो हमारा सेकंड बैच जो मशरूम का है वो भी सॉटे हो गया 3 से 4 मिनट। इसे भी निकाल लेते हैं सेम बाउल में। और इसी तेल में फिर हम डालेंगे जीरा। जिसमें हमने अपनी मशरूम को फ्राई करा था उसी में डाल देते हैं जीरा। गैस आपकी मीडियम टू हाई होनी चाहिए। जीरा सॉटे हो गया है, इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च। हल्का सा सॉटे करेंगे 30 से 40 सेकेंड। अब इसमें डाल देते हैं जिंजर और गार्लिक कटा हुआ। और इसे भी 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई गैस पर पका लेंगे। जिंजर और गार्लिक को पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ प्याज और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो अनियंस हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर और इसे मशी होने तक पका लेंगे। तो टमाटर मशी हो गए हैं, इसमें डाल देते हैं नमक
गरम मसाला और साथ में कोरिएंडर पाउडर, इनको मिक्स करेंगे। साथ में डाल देते हैं हल्दी। और स्वीट पेपरिका और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके मीडियम गैस पर 2 मिनट तक पकाएंगे। तो हमारे मसालों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जो ऑयल है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं पीस को, मटर डालेंगे इसमें और फिर अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक मीडियम गैस पर पका लेंगे। मटर को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो चलो चेक कर लेते हैं। ये अभी हल्के से कच्चे हैं तो अभी इन्हें 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम गैस पर ढककर पकाएंगे। तो मटर को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो चलो चेक कर लेते हैं। और ये सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज में इसमें डाल देते हैं मशरूम और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से करना है क्योंकि मशरूम भी हमारी सॉफ्ट है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे कसूरी मेथी और इसे फिर से मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक मीडियम गैस पर पका लेंगे। तो सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो चलो चेक कर लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से रच गए हैं हमारी मशरूम में। तो गैस को कर देते हैं अब बंद और इसे करते हैं सर्व। और अब इसे गार्निश करेंगे कसूरी मेथी के साथ। आप चाहे तो कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटर मशरूम बनकर रेडी हैं। और आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान है और लग रहे हैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मिलकर इसे बनाएं, खाएं और मज़े करें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने यम्मी लग रहे थे हमारे मटर मशरूम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।